चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा नौवीं तक की सभी बुक्स देख चुके हैं। कक्षा दसवीं की भी आपकी एक बुक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से जो कक्षा दसवीं की बुक्स है उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है समकालीन भारत सेकंड। समकालीन भारत दो जो आपकी बुक्स का नाम है उसी को हम लोग बात करनी है। ये भूगोल की बुक से एक बात आप लोग यहाँ याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस फॉर स्टेट पीसीएस इनकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी समय रहते हुए पढ़ लें, और जो जो आपको एनसीईआरटी जरूरी है वो सभी आपकी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वहां से डाउनलोड करके रख लें। और हो सकता है अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लें, वरना प्रिंट आउट निकलवा लें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपना पढ़ते रहें डाउनलोड करके पीडीएफ के रूप में। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर वैसे आप लोग कक्षा छठवीं से कक्षा बारहवीं तक की पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, तो आप कक्षा नौवीं से लेकर कक्षा बारहवीं तक तो आपको पढ़ना ही है, हर हाल में पढ़ना है, इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि हिस्ट्री की बुक्स लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और एक कोई आप स्पेशल बुक्स पढ़ लीजिए इनसे संबंधित। फिर चाहे आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि बढ़िया बुक्स है। बस इतना ही दो काफी है, एनसीईआरटी प्लस एक टेक्स्ट बुक कोई स्पेशल। ठीक है, इतने में बाकी आप ज्यादा मटेरियल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। किसी दूसरे के नोट्स लेने की बजाय अगर आप खुद बनाएं तो मुझे लगता है कि आपको आसान होगा पढ़ने में, और तैयारी भी आपकी बेहतर हो सकती है। तो आज हम लोग समकालीन भारत सेकंड में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात बता देता हूं। इसमें कौन कौन से सब 20 चैप्टर हम लोग देखेंगे, ये आपकी कक्षा 10 की भूगोल। ठीक है, सभी डाल दी गई है पीडीएफ, वहां वहां से डाउनलोड कर लें और बाकी ये पढ़ते रहें जो भी आपको जरूरी लगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप भारत का संविधान देख लीजिए। मुझे लगता है कि भारत का संविधान की उद्देशिका हम लोग इतने बार देख चुके हैं अभी तक कि सबको रट चुकी होगी, क्योंकि हर बुक्स के आप देखते हैं आगे पीछे बनी रहती है। उद्देशिका में क्या दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आपका लागू हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए, अगर इनके विषय सूची के बारे में बात करेंगे, सब कौन कौन से चैप्टर देखना है, तो चैप्टर एक में आपका संसाधन एवं विकास के बारे में दिया गया है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में बात करेंगे, जल संसाधन देखेंगे, कृषि देखेंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन देखेंगे, विनिर्माण उद्योग भी देखेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भी देखेंगे। इस तरह से आपके टोटल 7 चैप्टर होंगे। इसमें कुछ आपकी शब्दावलियां हैं महत्वपूर्ण, उन्हें भी देख लेंगे, और वैसे भी ये सभी शब्दावलियां आपके इसी चैप्टरों में, इन्हीं चैप्टरों में कवर हो जाएंगी। ठीक है, कि पर्यावरण किसे कहते हैं, फिर या भूगोल क्या है, इस तरह की जो भी शब्दावलियां होती हैं, अपरदन क्या होता है, क्षरण क्या होता है, तो वो इसी में कवर हो जाती हैं। तो इस तरह से टोटल आपके 7 चैप्टर होंगे। अब यहाँ सबसे जरूरी एक सूचना रहती है, भारत का संविधान के भाग 4 में आपके नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिस तरह से आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि इसे उसी तरह से आप जोड़कर देख सकते हैं कि आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, मौलिक अधिकार मान लीजिए सामने वाले का, और उसका कर्तव्य क्या है कि उस भरोसे को बरकरार रखा जाए, यानी कि उस भरोसे को ना तोड़ा जाए।
यही मौलिक कर्तव्य होते हैं। यानी कि सरकार आपको कुछ अधिकार दे रही है, तो जैसे बोलने का अधिकार दे रही है आपको, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा नहीं कि बोलने के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए किसी को गाली देने लगे। आपको धरना प्रदर्शन का और आंदोलन करने का मौलिक अधिकार दिया जा रहा है, अधिकार है आपके देश में। तो ऐसा नहीं कि आप सरकारी संपत्ति को जलाएं, किसी दूसरे को चोट पहुंचाएं या हानि पहुंचाएं, तो इस तरह के आपके मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखिए, आपके अगर देश में, मुझे लगता है कि अगर मौलिक अधिकार और जो आपके कर्तव्य हैं, इन दो को सभी जागरूक हो जाए इन दो के प्रति, तो आपकी 80-90% समस्याएं जो हैं वो आराम से खत्म हो सकती हैं। समझ रहे हैं आप? यही दोनों कारण बने हुए हैं कि लोगों को, जिन्हें नागरिकों को अपने अधिकार पता है उन्हें कर्तव्य पता नहीं है, जिन्हें कर्तव्य पता है उन्हें अधिकार पता नहीं है, और सभी देखते भी नहीं है इसके बारे में, ज्यादा सोचते भी नहीं। ये आपका अनुच्छेद 51 का है, इसमें आपके सम्मिलित हैं। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। आप समझ रहे हैं कि आपका संविधान का पालन करे, जो आपका संविधान है उसके में जो प्रावधान है उनका पालन करे, जैसे आपकी आदर्श, उसके आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका सबका आदर करे। ये जबरदस्ती नहीं है आपकी पर कि आप लोग इसे पालन करना चाहिए, लेकिन आपका कर्तव्य है कि इसे पालन करना चाहिए। अब आप देखते हैं कि चुनाव आयोग हो गया, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो निर्णय देता है, उसके निर्णय को आपको पालन करना चाहिए। ये जबरदस्ती नहीं है कि आप उसके पालन ना करें, आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं लोग। चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके बाद आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहते हैं लोग। फिर आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या फिर वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। लेकिन आप देखते हैं कि सबसे पहले जब भी आंदोलन होता है या कुछ इस तरह के काम होते हैं, तो सबसे पहले सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ की जाती है। बसें जलाना, रेलवे पटरियों को उखाड़ना, रेलवे जलाना, तो आप देखते रहते हैं। इसलिए क्योंकि आप देखते हैं जो भी सार्वजनिक संपत्ति को हानि होती है, उनकी आखिर लास्ट में भरपाई आप लोगों की, आम जनता को ही करनी पड़ती है। तो इससे परिचित रहें। व्यक्तिगत तो और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या फिर तीपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। याद रखिए, अगर आपका कभी मेंस में लिखने के लिए आता है, क्योंकि आप देखते हैं MBBPSC, UPPCS, कई जो स्टेट PCS है उनमें पूछ लिया जाता है, अगर आपको सभी 11 के 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको याद हैं, अगर सभी क्रम से याद हैं तो ही क्रम डालें इसका। अगर आपको क्रम से याद नहीं है तो आप डैश लगाकर लिख सकते हैं, एक क्रम डालने की आपको जरूरत नहीं है। ये तभी डालें जब आपको क्लियर याद है, ठीक है? आज इसमें नहीं बात कर रहा हूं, कभी भी पॉइंट तभी दें जब आपके पास निर्धारित पॉइंट हो, आपको सभी पॉइंट याद हो, वरना आप डैश लगाकर लिखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है मूल कर्तव्य आपकी, और इसमें बचता है आपका, अब हम लोग पहला अध्याय देखेंगे संसाधन एवं विकास के बारे में जानेंगे इसमें।